दोस्तों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारतीय विकास मंच, जो कि सन 1995 से संस्था कार्यरत है। दोस्तों, गुजरात में पहली बार हम लोग उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्वतंत्र गठन हुआ, स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन हुआ, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिन है। तो दोस्तों, योगानुयोग है कि दो दिन के बाद हमारा प्रजासत्ताक दिन और उसी के बीच में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन, दोनों एक साथ आ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश स्थापना दिन एवं गणतंत्र दिन दोनों की बधाइयां देता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, यानी यूपी के नाम से ही प्रसिद्ध था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को आगरा और अयोध्या मंडल को मिलाकर पूरा उत्तर प्रदेश की रचना हुई। उत्तर प्रदेश में आज 80 सीटें हैं लोकसभा की। सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में आज प्रचलित है उत्तर प्रदेश। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गंगा जमुना की तरजही जो वहाँ पर बह रही है, उससे उत्तर प्रदेश खूब खुशहाल है और सारे लोग वहाँ के मिलनसार और अच्छे लोग हैं। उनकी खुशहाली में हम लोगों का भी योगदान है, ऐसा मैं आज के दिन कह सकता हूँ। हमारे उत्तर भारतीय विकास मंच ने आज यहाँ पर गुजरात में रहकर, जो हम दूध में शक्कर की तरह यहाँ घुल मिल गए हैं, ऐसे समय में हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश, अपनी माटी से लगाव होने के नाते उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से वहाँ के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी आ रहे हैं, गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री झड़पिया जी आ रहे हैं, उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह जी आ रहे हैं, और हमारे बीच में हमारे सांसद भाई श्री हसमुख भाई पटेल भी उपस्थित हो रहे हैं। तमाम नेतागण जो है हमारे बीच में हम लोगों का उत्साह वर्धन के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे समय में मैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात में उत्तर भारत से आए हुए काफ़ी लोगों की संख्या है, उसमें उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनके दुख सुख में साथ बटाने के लिए सन 1995 में हमने इस संस्था की स्थापना की, और इसके माध्यम से हम उनको पड़ने वाले आने वाली आपत्तियों और संकटों से निवारने की कोशिश करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को हम लोग हवा देते हैं, और स्वच्छ अहमदाबाद शहर, स्वच्छ गुजरात पर ज़्यादा जोर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम लोग उत्तर भारतीय विकास मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झांकी का भी कार्यक्रम रखा है, जिसमें भोजपुरी गायक कलाकार भी उपस्थित हो रहे हैं। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आए और उत्तर प्रदेश की माटी से निकली हुई सुगंध को अपने सीने में लें और हम लोगों के कार्यक्रम का उत्साहवर्धन करें। ऐसी मैं अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।